दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। खजूर फैक्ट्री की असली सच्चाई। दोस्तों रईसों का अड्डा कहे जाने वाले दुबई में यूं तो बहुत सी अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन क्या आप यहाँ के नेशनल फ्रूट के बारे में जानते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि खजूर है। मिडल ईस्ट यानी कि ईरान, इराक और सऊदी जैसे देशों से 90% खजूर पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन खजूर को खरीदने के मामले में भारत सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग खजूर को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों है और इतने बड़ी संख्या में भारतीयों की इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा खजूर से जुड़ी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जैसे कि इसे उगाते कैसे हैं, इसकी तुड़ाई कैसे होती है और फैक्ट्री में इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। हाई फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स जैसे मिनरल से भरपूर खजूर, जिसे इंग्लिश में डेट कहते हैं, इनके इतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि सुनने के बाद आप भी अपनी सेहत को स्वस्थ करने के लिए खजूर का सेवन करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें खजूर का सेवन ब्रह्मास्त्र का काम करता है। और अगर उन बीमारियों के बारे में हम आपको गिनाने बैठे तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन खजूर के फायदे खत्म नहीं होंगे। और यही वजह है कि खजूर को बनाने का काम बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगर बात करें इसकी फार्मिंग की, तो सबसे पहले एग्रीकल्चरल लेबोरेटरीज में हाई क्वालिटी टिश्यू कल्चर तैयार करने से होता है, जहां क्लाइमेट के हिसाब से एक्सपर्ट्स पौधे तैयार करते हैं और फिर कुछ महीने वहीं नर्सरी में प्रॉपर देखभाल के बाद अच्छी तरह से जमीन पर उगा दिया जाता है और फिर बाकी का प्रोसेस होता है। अब जैसे कि आप इस कंपनी को देखिए, जो कि ईरान की सबसे बड़ी खजूर कंपनी है, जिसका नाम है अल बराका, और ये सैकड़ों एकड़ में फैला इनका फार्म, जहां ये छोटे छोटे हजारों पौधे 2 साल के हो चुके हैं और कुछ ही समय में इनमें से लाखों किलो खजूर निकलने वाले हैं। पर दोस्तों ये फल अपने आप नहीं लग जाते, इसके लिए एक प्रोसेस करना होता है जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब आप सोचेंगे भला ये पॉलिनेशन क्या है, तो दोस्तों इसमें कुछ होता यूं है कि मादा यानी कि फीमेल खजूर का पेड़ होता है। जी हाँ, पेड़ों में भी मादा और नर होते हैं, और यहाँ तो जो फीमेल खजूर का पेड़ होता है उसमें फूल खिलता है, इसके बाद इसके अंदर मेल यानी नर खजूर के पेड़ पॉलन निकाल कर फूलों के बीचों बीच डालकर उसे अच्छी तरह से बांध कर पैक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा काम कैसे हो रहा है, जिसमें फूल को अच्छी तरह से कवर कर दिया जा रहा है। बस इतना होने के बाद सारा काम प्रकृति का होता है, क्योंकि जब ये प्रोसेस हो जाता है तो कुछ ही हफ्तों बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह उस फूल से फल निकल रहे हैं। हालांकि अभी कच्चे हैं और कुछ हफ्तों तक कड़ी धूप लगने के बाद इनका रंग भूरा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इन फलों के अंदर मिठास आनी शुरू हो जाती है। और जब ये अच्छी तरह से मीठे हो जाते हैं और पक जाते हैं तो इनका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है, जिसे खाने के लिए पूरी दुनिया पागल रहती है। खास करके रमजान के महीने में तो खजूर को कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या कितनी ज्यादा है जो रमजान मनाते हैं, ऐसे में जब ये खजूर पक जाते हैं तो वो पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग की बारी आती है, ताकि इन्हें हार्वेस्ट करके लोगों तक पहुँचाया जा सके, जिसके लिए मजदूर एक एक करके खजूर को इस तरीके से तोड़ते हैं। अब अगर पेड़ छोटा हो तो खजूर को तोड़ने का काम आसानी से और जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर पेड़ की उम्र 10 साल से ऊपर होती है तो वो पेड़ काफी बड़ा हो जाता है। और इस कंडीशन में मजदूर लिफ्ट की मदद से पहले तो ऊंचाई पर पहुंचते हैं ताकि खजूर के फल तक जा सके, और फिर फलों तक पहुंचने के बाद उसे अच्छी तरह से तोड़ लिया जाता है। ये पूरा काम बढ़िया क्वांटिटी में होता है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो में देख कर लगा सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में खजूरों को निकाला जा रहा है, जिसके लिए मजदूर दिन रात लगे रहते हैं। और कई दिनों तक जब सैकड़ों क्विंटल खजूर तोड़ लिया जाता है तो सबसे पहले अल बराका के स्टोरेज हॉल में उन्हें अच्छी तरह से स्टोर करके रखा जाता है। अब शुरुआती साफ सफाई के बाद इन खजूरों को मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अल बराका डेट प्रोसेसिंग प्लांट में सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पहुंचते ही वर्कर इसे सबसे पहले इतने सारे खजूरों में से साइज, कलर और क्वालिटी के हिसाब से छंटाई करते हैं। क्वालिटी और साइज के हिसाब से अलग हो चुके खजूर अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हैं और एक एक खजूर को लाइन बाय लाइन भेजा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक लेजर चैम्बर में, जहाँ 360 डिग्री में रोटेट करके हर एक खजूर को प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है,
जी हाँ, हर एक खजूर की चेकिंग होती है और ये देखा जाता है कि कहीं वो खराब तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि खजूर को कई छोटे मोटे लोग तो खाते नहीं है, जहाँ अगर हल्की सी मिट्टी का कंकड़ मुंह में चला जाए तो उसे बाहर निकाल देंगे। खजूर के खाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और ज्यादातर अमीर शेख लोग इसे खाते हैं, जो अपने द्वारा खाए जाने वाली चीजों में बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। और इसी वजह से यहाँ पर लेजर स्कैनिंग की मशीन लगाई गई है, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि हर एक खजूर को एक एक करके इंसानों द्वारा देखना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कभी भी किसी न किसी इंसान से कोई न कोई चीज छूट ही जाती है। पर अगर ये काम लेजर मशीन द्वारा होता है तो किसी भी प्रकार की खराबी को ढूंढ निकालना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई खजूर खराब होता है तो उसे तुरंत किनारे कर दिया जाता है और अच्छे वाले खजूर को आगे पैकिंग के लिए भेजते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकेजिंग के जरिए आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हें अलग अलग साइज और वजन के हिसाब से पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, खजूर के बारे में इतना कुछ जानने के बाद उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या आपको खजूर खाना पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट में बताना मत भूलना, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।